क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पे आ गए, ठीक है। 297 इंटू 303 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए, इसको इसमें क्या है, 297 को हम चाहें तो 300 माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। और इंटू 303 को चाहें तो 300 प्लस 3 कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया हमको 303 देख के डायरेक्ट ही लग जाएगा 300 प्लस 3 है। यदि 300 प्लस 3 ये है तो ये देखिए माइनस में है कि नहीं है, तो आपको सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा हाँ 300 माइनस 3 है, ठीक है। तो इसको कैसा हम लिख सकते हैं, 300 प्लस 3, ठीक है, और 300 माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको आप देखिए किस तरह से है, a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से, सॉरी ये 307 में लिख दिया, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से है, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बाई यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, ठीक है, बाई यूजिंग ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये साफ साफ दिखता है यही आइडेंटिटी में है, ठीक है। तो 300 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 90000 माइनस 9, फिर 3 9, वैल्यू कितना हो जाएगा, 19998, ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में, इजी है।